मुझे नहीं याद आखिरी बार कब एक गाना इतना फेमस हो गया कि सिर्फ उस गाने को देखने के लिए आप पूरी मूवी देख लो, क्योंकि हुसन मेरा तो नहीं नहीं बस 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 कान पक गए। तो मैं बॉलीवुड की नई फिल्म बैड न्यूज देख के आ चुका हूँ और मेरे पास उस मूवी के लिए बैड न्यूज नहीं बेटर न्यूज है। देखो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये मूवी का पर्पस क्या है। क्या ये आपको एंटरटेनमेंट देना चाहती है, आपको हंसाना चाहती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो और बस जाओ, टाइम पास हो जाए, या फिर मेकर्स इस मूवी के साथ एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे, नेक्स्ट लेवल फिल्म मेकिंग भाई ऑस्कर जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। डेफिनेटली फिल्म बेटर हो सकती थी, बट इस मूवी का जो मेन गोल है एंटरटेनमेंट और हंसाना, वो ये फिल्म एक लेवल तक कर लेती है। मूवी के जोक्स काम करते हैं, जो ट्रेलर में भी थे वो भी काम करते हैं, और इवन बहुत सारे इनसाइड रेफरेंसेज हैं बॉलीवुड को लेके, अलग अलग एक्टर्स को लेके, और इन सब चीजों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, लेकिन देख के हंसी आएगी। तो अगर आप ऐसी मूवीज पचा लेते हो, अच्छा सा टाइम पास हो जाए, बस थोड़ी हंसी आ जाए, थोड़ा ड्रामा देख लिया, गाने हो गए, 3 घंटे एसी रूम में बैठ लिया, तो नॉट अ बैड चॉइस। फिल्म मेकिंग की बात करें तो वो बहुत वीक है। काफी मोमेंट्स पे पता चलता है कि एडिटिंग में चेंजेस किए गए हैं, सीन काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे मोमेंट्स को कंप्रेस कर दिया गया है, कैमरा वर्क कुछ खास नहीं है, और टोटली फिल्म रिलाई करती है एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस पे, जो एक्चुअली मूवी को बचा लेते हैं। पहली बात तो विकी कौशल, ये पिक्चर उनकी है, वो इस पिक्चर के हीरो हैं, राइटिंग वाइज भी, क्योंकि उनका रोल सबसे बड़ा है, और इवन बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी वो शाइन आउट करते हैं। उनका वायरल गाना तौबा तौबा इज द लास्ट Thing you'll praise. यारे बंदा क्या नहीं कर सकता। तृप्ति दिमरी की बात करें, नेशनल क्रश इंडिया की, उनको पिक्चर में दिखाया भी वैसा है, और नेशनल क्रश होने का डायलॉग भी है मूवी में विद भाभी 2। अब मुझे पक्का यकीन है काफी लोगों को सिर्फ एनिमल देख के इनके बारे में पता चला, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है, इनकी पिछली मूवीज जाके देख लो, और उस हिसाब से देखा जाए इस मूवी को तो इससे बहुत बेटर काम कर सकती है। एम्मी विर्क की बात करें तो अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हो, उनके लिए मूवी देखने जा रहे हो, तो आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। वो एक सेकंड फिडल कैरेक्टर है मूवी में, सपोर्ट करते हैं स्टोरी को, पोस्टर देख के लगेगा कि वो सेकंड लीड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक साइड कैरेक्टर है इन अ सेंस, और इवन जो राइटिंग है उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ही बेसिक सी है। जो भी मजा वो ला पा रहे हैं वो अपने खुद की परफॉर्मेंस से ला रहे हैं, और मूवी के बेस्ट सीन विकी कौशल और एमी वर्क के बीच में ही है, और थ्रू आउट द मूवी काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, गैग्स हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि यार जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं होता था, पहले टॉम कुछ करेगा फिर जेरी कुछ करेगा, और वो छोटे छोटे गैग्स होते थे, पिक्चर भी वैसे चलती है, एक कोई स्टोरी का फ्लो ही नहीं है। बात करें मूवी के यूनिक कॉन्सेप्ट की, जो ट्रेलर में रिवील कर दिया था, उसके थ्रू मूवी बात करिए को पेरेंटिंग की, मल्टीपल पार्टनर्स की, वगैरह वगैरह। अब क्या ये सही है गलत है वो आप अपने लिए खुद डिसाइड करें, आजाद देश है, सबकी अपनी सोच है, बट मुझे लगा मूवी बहुत सेफ चलती है। इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक को जस्ट एज अ प्लॉट पॉइंट यूज करती है फिल्म, बिल्कुल ट्राई भी नहीं करती एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ऐसी चीज होना हमारी सोसाइटीज में, हमारी फैमिलीज में, एक बहुत बड़ी बात है, और उस चीज को कैसे डील किया जाएगा वो इंटरेस्टिंग चीज है, बट वो चीज फिल्म को और कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो आई थिंक मेकर्स नहीं चाहते थे। तो इंस्टेड स्पेंडिंग टाइम मूवी रश करती है इस मोमेंट्स में। इंटरवल तक तो सेटअप ही है, वो बड़ा ट्विस्ट इंटरवल पे ही आता है, और आप फिर एक्सपेक्ट करते हो सेकंड हाफ में उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन नहीं, मूवी भागती है, बस रुकना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी, बस आगे बढ़ते रहो, गैग्स दिखाते रहो, गैग्स दिखाते रहो, फिर भाई क्लाइमैक्स इमोशनल कर देंगे, फिर बस खत्म। और इस वजह से काफी चीजें सुपरफिशियल लगती है, कैरेक्टर्स पेपर थिन लगते हैं, सारे एक्टर्स ट्राई करते हैं मूवी को कैरी करने की, और मूवी की कास्टिंग अच्छी हुई है कि अच्छे एक्टर्स को लेके आए हैं, क्योंकि राइटिंग में वो वजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टोरी का काफी अच्छा पोटेंशियल था जो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होता है। हंसी आती है, टाइम पास हो जाता है, दोस्तों से जाके देख सकते हैं, भाई मैं तो पैसे दे आया तौबा तौबा गाना बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, आप अपना देख लो। बाकी इस वीडियो में बॉलीवुड के फर्स्ट 6 मंथ का रिपोर्ट कार्ड देख लो, क्या हाल रहा इंडस्ट्री का, अपने तौर पर मुझे कमेंट्स में बताना, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। जय हिंद।